अभी भी वो बरकरार है, जहां एक और पिता यानी मुलायम सिंह यादव ने रामगोपाल यादव को पार्टी से फैसला के लिए बाहर का रास्ता दिखाया है, तो वहीं सैफई जब पहुंचे सीएम अखिलेश यादव तो वहां मौजूद रामगोपाल यादव से मिले, पांव छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं सीधे सैफई से। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, दिनेश शाक जी। दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे कि बात हुई, मुलाकात हुई, लेकिन बात क्या हुई? अब जो बातें कही जा रही है कि वो दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए आए थे प्रोफेसर रामगोपाल यादव को, उनके भतीजे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। आशीर्वाद में रामगोपाल यादव ने उन्हें उत्तर प्रदेश का एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया। इससे बड़ा क्या तोहफा किसी और के लिए हो सकता है? तो ऐसी बातें सामने निकल के आ रही है। हालांकि राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है, इस बात की पुष्टि की जा रही है और कहा भी यही जा रहा है कि वहां पर राजनीतिक तौर पर किसी भी तरीके की चर्चा नहीं हुई है। बातचीत के दरमियान बदायूं के सांसद धर्मेंद्र यादव, जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चचेरे भाई है, वो भी वहां पहुंच रहे थे। कुछ एक और भी लोग भी पहुंच रहे थे, आसपास के कुछ विधायक भी वहां थे, लेकिन उनको अंदर एंट्री नहीं मिली थी। करीब 20 और 25 मिनट के आसपास मेल मुलाकात हुई है और उसके बाद में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सैफई इस पीडब्ल्यूडी की गेस्ट हाउस में जनता से मिले हैं। वहां पर उन्होंने खुल करके मेल मुलाकात की हुई है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस पारिवारिक विवाद के बाद में पहली दफा कल यहाँ पर पहुंचे हुए थे और आज जिस तरीके से उनको देखा गया कि वो आत्मविश्वास से पूरी तरीके से लवरेज नजर आए हैं। उन्होंने जो भी बड़े बुजुर्ग थे परिवार के, उनसे मेल मुलाकात की है। सबसे पहले उनकी मेल मुलाकात प्रोफेसर रामगोपाल यादव से हुई है और उसके बाद वो इटावा हेडक्वार्टर पर आए हैं, जहाँ पर उनके भाई जिला पंचायत सदस्य। दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आईपी सिंह साहब जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर आपको, और सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी सिंह साहब, आपसे समझना चाहेंगे, परिवार में रार चौखट के पार आती है, दिवाली आती है, दिलों में द्वेष जो ईर्ष्या है उसे खत्म करने का दिन है। इसी बीच पिता ने रामगोपाल यादव को पार्टी से बाहर निकाला, उन्हीं से मिलने पहुंच जाते हैं सीएम अखिलेश यादव, इसने इतना क्या लगता है आपको? सबसे पहले आपकी टीम को, इंडिया वाइज को दीपावली के पावन पर्व पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, स्वयं मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आज इस शुभ अवसर पर जब आपने बात कही तो ठीक बात है कि आवेश में आकर श्री मुलायम सिंह और उनके छोटे भाई जो प्रतिक्रियावादी हैं, शिवपाल यादव जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, या उनके मन में ये कहीं न कहीं बीज था, और अपने बड़े बड़े भाई और नेता को समाजवादी पार्टी से बर्खास्त करने का काम किया, उस बात पर वो जोर देते रहे। परिवारों में विवाद चलते हैं, विवाद होना चाहिए, लेकिन विवाद एक सीमा से बाहर नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन शायद रामगोपाल यादव का कंट्रीब्यूशन किसी भी सूरत में शिवपाल यादव से बहुत ज्यादा है। ये कहा जा सकता है कि अगर कलम पकड़कर, अगर नेताजी ने साइकिल चलाकर समाजवादी पार्टी खड़े की, तो उसी दूसरी तरफ रामगोपाल यादव ने कहीं न कहीं कलम पकड़कर और सुनियोजित रूप से समाजवादी पार्टी को इस्टेब्लिश करने का काम किया। मैं तो ये कहूंगा कि ये सब पावन पर्व पर अगर अखिलेश यादव जी उनसे मिलने गए हैं, निश्चित तौर पर वो समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी है। राजनीतिक रूप से हम निश्चित तौर पर उनसे दो दो हाथ करते हैं, दो दो हाथ आगे भी करेंगे, लेकिन जो इस प्रकार का विवाद है, कहीं न कहीं किसी भी राजनीतिक दल का कमजोर होना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अगर उन्होंने इस तरह के कदम बढ़ाए तो निश्चित तौर पर ये स्वागत योग्य है। और पुनः मैं सभी, चाहे पार्टी के विरोधी हो, शत्रु हो, सभी को इस पावन पर्व पर मैं एक बार पुनः बधाई देता हूँ, और उत्तर प्रदेश में शांति रहे, अमन रहे, विकास के
पथ पर आगे बढ़े, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब।